हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अंकित त्यागी चैनल से निब्बा निब्बी लव स्टोरी पार्ट 6 टिकटॉक कपल वीडियोस रोस्ट। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है है नहीं है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। और आप एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है, और आज हम फिर से चलेंगे उसी अंधेरी दुनिया में, जिस दुनिया में प्यार, इश्क, दुख, दर्द, लोड़ा लसन, इन सब रंडी रोनों के अलावा कुछ नहीं। एक ऐसी दुनिया जहाँ गांड टूटने की उम्र में दिल टूट जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आपको गांड धोनी आती है या नहीं, पर फिर भी आप आशिक की गांड बन सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ निब्बा और निब्बी की दुनिया की। तो आपने पार्ट 6 के लिए इतने कमेंट किए कि मुझे पार्ट 6 लेके आना ही पड़ा। तो चलिए अपनी गांड के नीचे बर्फ लगाते हुए शुरू करते हैं पार्ट 6। कुछ ज्यादा ही हो गया तशरीफ। वाह, बहनचो क्या लोड़ूपंती है ये? कौन है ये लोग? इन्हीं सब चीजों को देखकर हम जैसे लोगों के आंखों के लोड़े लग जाते हैं। नहीं मतलब ये एक ही जैकेट में हाथ डालकर विक्रम बेताल बने घूम रहे हैं। क्या यही होता है प्यार? इन्हीं सब चौदू हरकतें करने को प्यार कहते हैं? यही दिमाग में आया था मेरे कि क्या पिट्टू पिट्टू खेल रहे हैं। अच्छा करो लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक और बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं और जो अभी मतलब इंतजार कर रहे थे, तो समय आ गया आपके पास भी। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे से ले लेना भाई। एक मिनट, ये तो वही है ना? लो भाई लोग, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं अब आप ही बताइए। नहीं मतलब 2 महीने पहले तक ये बंदा खुद हेल्प की भीख मांग रहा था और अब लोगों को हेल्प दे रहा है। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। ये हो क्या रहा है इस दुनिया में? इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। कर लियो मेरा बाबू। अरे बाबू कुछ नहीं चल रहा, मैं मेरा बाबू। अच्छा बाबू, मैं ना थू थू कल के आता हूँ। नहीं आपने बोला था मुझे कभी चल के नहीं जाओ। अबे तो सुसु करने भी ना जा गधेड़ी। आई लव यू सो मच मेरा बाबू। मेरी मादरचोद। हेंचू क्या चोद है? नहीं मतलब ये कौन सा तरीका है प्यार दिखाने का? मतलब वो अपनी पैंट में मूतेगा, हगेगा, जब ही साबित होगा कि वो प्यार करता है। ऐसा प्यार गया गधे की गांड में? ऐसे गिरने के प्यार से तुम सिंगल ही ठीक है। सॉरी बोल रही हूँ, एटीट्यूड वाला सॉरी थोड़ी ना बोल रही हूँ। सॉरी बच्चा, कान पकड़। ये किधर से बच्चा है भाई, ये कहाँ से बच्चा है? सॉरी। एक तो ये निब्बा निब्बी की दुनिया में इंसान को नाम से नहीं बल्कि बेबी, शोना, कुच्चू, पुच्चू, भांग, भोसड़ा बोलकर बुलाया जाता है। और ये निब्बा निब्बी अपनी माँ बाप से ज्यादा एक दूसरे के बच्चे होते हैं। हाँ। किसका बच्चा? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा ना, सही जवाब देने पर तो थप्पड़ पड़ता है। मेरा बच्चा, मेरा कब पैदा किया? जब ये बच्चा किसी और बच्चे के साथ लगा हुआ होगा ना, तो इस निब्बी की हालत भी कुछ ऐसी दिखाई देगी। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया बाय। जलने की बात जान दो, कितने बैक्टीरिया होंगे उसके पैर में, चाट रही है उसकी निब्बी है, चाहे वो टांग चटवाए चाहे गांड, मतलब हम क्यों अपनी गांड जलाए। भोसड़ी वाले तुझे कहा था ना ज्यादा बर्फ रखियो। किस? जब मिलेंगे ना जितनी चाहे ले लेना। मुझे तो अभी चाहिए। तू नहीं मानेगा ना, देख रहे किसी इन जैसी मूवीज की वजह से ये सब हरकतें। किस चाहिए? नहीं मतलब हमने क्यों जन्म लिया इस धरती पर? तो देखो यार, ये सब जलने के बाद अपने गुस्से को साइड करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये भोसड़ी वाले कभी नहीं सुधरेंगे। तो यार बस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, मन करे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मन करे यार वो करो।
ओके सो भाई जब इन्होंने पूछा ना अंकित त्यागी जी ने कि हाँ हम इस धरती पर आए क्यों हैं, पैदा क्यों हुए, खून खौलाने के लिए, जलने के लिए, मतलब यार समझ में नहीं आ रहा है भाई कि अगर ये प्यार कर रहे हैं तो देश में पढ़ाई कौन कर रहा है यार, है मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे। और वाकई वो जो व्लॉगर्स थे ना मैरिड कपल्स, कपल व्लॉगर, ठीक है, वो दो तीन महीने पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था, भाग के जंगल में बैठे हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ हमें कोई मदद चाहिए, है ना, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है, चलो तुमने शादी कर ली, ठीक, और मदद मांग रहे हो, इट्स ओके। लेकिन उसमें पहली बात तो एक गलती थी कि तुम दोनों नाबालिग थे, नाबालिग उम्र में तुमने शादी कर ली, ठीक है, अगर बालिग होते देन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद अभी एटीट्यूड देखो इनका, एटीट्यूड देखो भाई, किसी को ज़रूरत वरूरत होगी, मदद चाहिए होगी, बता दियो, ठीक है, शादी करवा देंगे। ओ भाई मत इन्फ्लुएंस कर, ठीक है, तूने एक गलती कर ली है नाबालिग उम्र में शादी करके, अब दूसरों को मत इन्फ्लुएंस कर कि हाँ वो भी यही गलती, सेम गलती करें। वैसे ही आजकल के ये बच्चे यही काम कर रहे हैं, वो होली के बहाने सिंदूर मांग भरे दे रहे हैं ना, गुलाल से ही मांग भरे दे रहे हैं। वे प्रथा ही क्यों चलाई थी सिंदूर भरने की जब यही सब होना था। सो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।